हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो भाई लोग? तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है डायरेक्ट टैक्स। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा डायरेक्ट टैक्स के बारे में, लेकिन बहुत से कुछ लोगों को नहीं भी पता है। तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, ये एक API होता है, API सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि आपके एप्लीकेशन को चलाने के लिए काम आता है, चाहे वो डिस्प्ले के लिए हो, चाहे वो ऑडियो के लिए हो। ये गेम्स के अंदर काम आता है कि आपके गेम्स को कितनी ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीज़ चाहिए आपके गेम को चलाने के लिए, और वो आपके हार्डवेयर से उसको कनेक्ट करता है। तो आज हम देखेंगे कि इसको कैसे चेक कर पाएं कि हमारा जो PC पर इंस्टॉल है कौन सा वर्ज़न है। उसको चेक करने के लिए आपको छोटी सी कमांड देनी पड़ेगी। यहाँ पर स्टार्ट बटन पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है DXDIAG। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट टैक्स वर्जन 12। तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें मेमोरी मिल जाएगी हमारी, 16 GB मेरी रैम है। ओके, डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलेगी, 3955। ये मतलब कि 4 GB की रैम है मेरी, ये कम ही दिखा रहा है। तो बहुत अच्छी कमांड है, बहुत यूज़फुल है। अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको पता ही होगा भाई, डायरेक्ट टैक्स अपडेट होना चाहिए, तभी आप अच्छी गेमिंग कर पाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका कौन सा वर्जन है डायरेक्ट टैक्स का, और अभी जो 12 है वो चल रहा है। ठीक है भाई, आप भी इंस्टॉल करके रखो ताकि आपकी गेम और अच्छे तरीके से चल पाए।